सो गाइज वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज संडे है और बहुत दिनों बाद हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, बट अब रेगुलर हो जाएंगे हफ्ते में 3 बार। और आज के व्लॉग का एक मोटिव है, अनाउंसमेंट के मोटिव से कि हम दोनों एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, एलएसडी लॉस सेंस द मोर। तो गाइज उस चीज़ के लिए हम काफ़ी टाइम से बहुत बिजी थे, बट अब सब फाइनलाइज हो चुका है। लॉन्च डेट है 17th, क्या है मंथ, सितंबर 17 सितंबर लॉन्च डेट है। तो जितने भी 400-500 लोग देख रहे हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, तो वरना फिर लॉस सेंस डामोर सर्च कर लेना। और एक और ब्रांड भी लॉन्च कर रहा हूँ जो है क्लोथिंग का, कॉप्ड कल्चर के नाम से, वो भी मैं डाल दूंगा। सब भूल जाओगे स्ट्रीट वेयर अपना भाई, स्ट्रीट ये सब कुछ नहीं है भाई। तुम्हारे क्लोथिंग ब्रांड जो भी नाम तो नहीं लूँगा, जिससे भी ले रहे हो कोई फालतू है सब। और क्वालिटी, डिज़ाइन और प्राइसिंग तीनों मिक्स करके मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होती है ना भाई, ये डिज़ाइन बढ़िया है तो इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, लंड फंड जो भी। तो भाई अब जा रहे हम इंग्रेडिएंट्स लेने चिकन बनाएंगे। आज संडे है, बिल्कुल फ्री है हम, मतलब फ्री तो नहीं है अभी। आज 1 किलो चिकन खाएंगे भाई। जिम भी चल रहा है, जिम शरीर भी बनाना है भाई, एंटरप्रेन्योर भी बनना है, एंटरप्रेन्योर ओए दे देगा नहीं। गार्लिक पेस्ट अभी मिलता हूँ गाइस, एक मिनट रुको दिखाई दे भाई। अदरक लहसुन का पेस्ट है छोटा वाला, दे दे फटाफट। कहाँ पे? ये वो दुकान जहाँ से मैं कुरकुरे खाता हूँ डेली, दो ऐसी होती है बल्किंग। अरे कहाँ है? देखेगा तभी तो कहाँ है, कहाँ मैं देखूंगा। सो गाइस मैरिनेशन का सामान ले लिया है, अब दही अदरक लहसुन का भी। अरे इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं बताने भाई, हर चीजें नहीं बतानी होती भाई। ये सब चीजें जो भी लिया है आपको पता ही होगा, गूगल से देख लो भाई, सबको पता है। बाकी मेन बात ये है कि जो हमारा ब्रांड है परफ्यूम का भाई, इसमें इतना यूनिक है भाई, तो है ही ऑब्वियस है, ये तो बताने वाली क्या बात है भाई। बल्क कर करके मेरे फेस पे भी फैट आ गया क्या भाई? थिंक इसकी भाई इंटरनेशनल ऑर्डर से जाएंगे अपने, 2 महीने रशिया से मेरे को वो आ चुका है। मेरा एक दोस्त गया रशिया, उसने बोला भैया भिजवा देना पढ़ने के लिए गया तो भाई, और क्या वो लगाएगा ठीक है। रशियन लोग में बोलेंगे देयर इज दिस फ्रॉम क्लासनिकोव, फिर वो भी मंगवा लेंगे भाई वेबसाइट। तुम बस डिलीवरी चार्ज दे रहे, इंटरनेशनल जो भी मेरा देख रहा है व्यूअर कन्वर्जन हो जाएगा भाई, फिर तो भाई बस गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। यू विल स्मेल लाइक एलएसडी एंड वी विल स्मेल लाइक मनी, बहन के लोड़े भाई कट करना पड़ेगा हर चीज़ें मत बताया कर भाई। तो गाइस अब चिकन जब बनाएंगे तब दिखाते हैं। टेंट नीचे से आती चालू हो चुका भाई, इन प्रोसेस। सो गाइस खाना वाना खा लिया था, एक नंबर बनाया था, और अब टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। और ये भाई अपना है, रुक जा व्लॉग में बकचोदी नहीं। ये मेरा पार्टनर है कॉप्ड कल्चर में, जैसे कि मैंने दिन में बोला था कॉप्ड कल्चर क्लोथिंग ब्रांड अपना लॉन्च हो रहा है, तो सारे फॉलो कर लो कॉप्ड कल्चर, KOPPED KULTURE सारे कर लो भाई। तो भाई अब कब लॉन्च कर रहे हैं हम, इसी वीक लॉन्च कर रहे हैं, आज क्या है 8 सितंबर है, इसी वीक लॉन्च हो जाएगा और 17th को होगा लॉन्च अपना परफ्यूम वाला। सो गाइज अब बस ऐसी क्वालिटी दे दी है ना, तुम बोलो ये क्या हो रहा है भाई, इस प्राइस पॉइंट पे हो ही नहीं सकता ये क्वालिटी। बाकी अपना अकाउंट वकाउंट खुल गया, HDFC से खोल दिया है बढ़िया, इसमें पैसे इकट्ठे करने बस बच रहे हैं अब। क्यों भाई गुजर मारो, अब जिम जा रहे हैं गाइस, चेस्ट डे आज, लेट्स गो। ओहो टिट्स,
क्लीवेज सी आ रही है मेरी तो, तेरी बंदी से बेटर। तो गाइस अब, और गाइस मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, फुल लड़की बात ही चल रही है गाइस दोनों की। ये लड़की देखो, वो लड़की देखो, गलत बात, रॉन्ग भाई। जिम चल लो यार, 7:30 बज गए। और पीछे दिया गई। सो गाइस जिम के लिए निकल गए 7:30 बजे फाइनली, और परमेश चला गया अपना, निकल गया मतलब पीछे पीछे आ रहा हूँ वहीं पे। बट मैं तुम्हें एक टिप देने जा रहा हूँ। टिप क्या, एक ऐसा सप्लीमेंट देने जाता हूँ दो, जो तुम पूरे साल चला सकते हो। क्रिएटिन देखो, जीएनसी क्रिएटिन। ये पहली बात तो जीएनसी 85 टू 90 ईयर्स से है इंडस्ट्री में, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। और इसका ये जो है सर्टिफाइड है। किससे सर्टिफाइड होता है वो मेरे को पता नहीं, पर सर्टिफाइड है ये। किससे होता है सर्टिफाइड भाई? वैसे फूड का तो एफसी, फूड का जो भी होता है सप्लीमेंट सर्टिफाइड है। सो कोई जो चेक वेक होते हैं सब इसमें चेक पूरे हैं। और इसके एक स्कूप में होता है 3 ग्राम क्रिएटिन सर्विंग, ठीक है? तो अभी इसको मैं जिम में जाके लूँगा, उसके बाद तुम्हें इसका बताऊँगा। वैसे तो क्रिएटिन सबसे सेफेस्ट सप्लीमेंट होता है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? और प्लस ये माइक्रोनाइज क्रिएटिन है, ब्लूबेरी फ्लेवर। वैसे तो मैं इसके पहले वो लेता था अनफ्लेवर्ड, बट लेट्स सी ब्लूबेरी फ्लेवर कैसा होता है। GNC प्रो क्वालिटी प्रो रिजल्ट हेल्प्स इंप्रूविंग मसल बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड एथलीट परफॉर्मेंस, ये सब लिखा हुआ होता है। बट मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ, जिस दिन तुमने क्रिएटिन ले लिया, जैसे आज लिया क्रिएटिन एक स्कूप में होता है 3 ग्राम क्रिएटिन का कंटेंट, उस दिन तुम्हारी बेंच 20 kg बढ़ जाएगी। 20 kg, जैसे आज तुम अगर 100 kg मार रहे हो, तो जैसे कल 100 kg मारा, पिछले सेशन में 100 kg मारा, और अभी मेरे को दिखाना, तो आज जब मैं मारूंगा इसको लेके, तो 120 मैं दिखा दूंगा, ठीक है? दिखा दूंगा 120 की बेंच करके। जैसे 120 की बेंच का मेरा 1 रैप है या 2 रैप है, तो 1 रैप है वैसे तो, आज 2 रैप करके दिखाऊंगा और व्लॉग में डालूंगा, तुम देखना इसका। मेरे को तो इंस्टेंट असर होता है, जो एक तो पहली बात तो ये क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है इसमें मसल्स में, और तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। इसमें तो लिखा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, 10 गुना स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। अरे यार फक, यहाँ पे तो रास्ता बंद है। बेसिकली अपने दिखा दे रहा फिर भाई। बेसिकली मतलब जो तुम करते हो नॉर्मली वर्कआउट, उससे तुम 20-30% ज्यादा कर पाओगे मेरे ख्याल से, तो है ना वर्कआउट मेरे हिसाब से तो 10x बढ़ जाती है पावर। मतलब हाँ, वो तो जब मैं लेता हूँ ना, एक तो मैं ऐसे अलग है, जैसे इसका तो देखो शोल्डर भी ऐसे, मैं जो बिना राइटिंग के भी सोलन हो जाता हूँ मैं, ठीक है? मेरे को इतना होता है जितना मेरे को लगता है। स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है ना, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और ह्यूज दिखते हो तुम, ह्यूज एज फक भाई। भाई जिसको अगर बल्क कटिंग कर रहा है वो तो नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। कटिंग में भी ले सकते, कटिंग में अच्छा देख, क्रिएटिन का काम क्या होता है, पावर बढ़ाना, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, ठीक है? प्लस जीएनसी का है, जीएनसी बेस्ट इन द मार्केट, जीएनसी आई थिंक उस प्राइस पॉइंट, और प्राइस पॉइंट भी सही है इसका, एवरीथिंग जीएनसी का ट्रस्टेड है मेरे। मैं तो जीएनसी यूज करता हूँ, मतलब मैं तो कुछ नहीं लगाता, लेकिन यूज करता लगाता भाई। परफ्यूम बनाने की आदत इतनी हो गई है, लगाना अबे लगाता। अच्छा, तो भाई यही है गाइस, अब मैं जाके दिखाता हूँ। इन्होंने एक शेकर भी दिया है, शेकर भी दिया, ब्लूबेरी फ्लेवर, आज ट्राई तगड़ा। तो गाइस ये है बॉटल इसकी, जीएनसी की। इसमें मैंने पानी भर लिया है वैसे तो गाइस जीएनसी की बोतल शेकर ये दिया है उन्होंने, और ये जो सर्टिफिकेशन है ये लैब टेस्टेड है, ये सब जो भी आप पढ़ लो। और इसमें ये स्क्रैच वगैरह वाला भी देखते हैं, स्क्रैच करके ऑथेंटिकेशन, बट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जीएनसी फेक प्रोडक्ट बेचता ही नहीं है। तो फाड़ गए तो फाड़ू, वैसे बात से हो जाएगा, फाड़ी हो इसको, जानवर कैसे करो देखो, आले दे देगा, छोड़ मैं चाबी से कर लेता हूँ, ऐसे चाबी से फाड़ दिया भाई इसको मुझे ऐसे, ब्लूबेरी बिल्कुल
एक नंबर है ठीक है। इसमें 3 ग्राम क्रिएटिन है तो मैंने एक इसमें डाला और मैं थोड़ा और भी डाल सकता हूँ क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा बड़ा है ना। ये एक बात बताओ, ये शोल्डर जो है ये कैसे आ रहा है? क्रिएटिन से भाई, डेली क्रिएटिन यूज किया करो। ओ ये ब्लू हो रहा है क्या? फक, टेस्ट रिव्यू बताता हूँ। बता दे, ड्यूरिंग वर्कआउट लेना, प्री वर्कआउट देखो, प्री भी ले सकते हैं, पोस्ट भी ले सकते हैं, प्रोटीन के साथ भी ले सकते हैं, ये सब मैं नहीं करता, मैं ड्यूरिंग वर्कआउट लेता हूँ, इंट्रा वर्कआउट। डीसीडब्ल्यू ये देखो ब्लू सा हो गया, ब्लू सा दिख रहा है, उट दिखा तगड़ा एकदम हैवी कैसे करते क्रिएटिन लेने के बाद मुझे कैसे जाना है। तो भाई सिर्फ सेकंड सेट में मैं 100 से ले रहा हूँ, फर्स्ट सेट था 80 से 15 रेप। हाँ हम भाई बराबर है भाई, ठीक है। अब आ गया मेरा बॉटल। हाँ, अब मैं सेट मारने से पहले एक सिप लूँगा और फिर कमाल देगा कितने रह पाएंगे। अब इसको ऐसे कर, फ्रंट कैमरा इसको उसमें कर, उसके अंदर बंद करके। अबे बंद कर रहा है, देख लो भाई जानवर benching your man's deadlift 4 reps go cha pa che pa art no dekh lo style dekh rahe ho 10 style dekh rahe ho और 3 ले सकता था बट 120 भी करनी है ना, इसलिए इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं आती भाई। तो भाई 100 मारते ही, अब ये क्या है 100 मारते ही 100 20 20 10 50 50 और 20। हाँ भाई देख लो, एनी टाइम में ज़्यादा उनको पता होगा कि ब्लू वाला होता है, ये देखो ब्लू वाला 20 होता है, ग्रीन वाला 10 होता है। चल कर 1 एक तो पीआर हो गया, 2 ये क्रिएटिन देख लो, वो एक और आ गया भाई, आएगा कि नहीं आएगा? वेट तो नहीं आया, क्रैम्प आ गया, मतलब थर्ड नहीं आया। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, अगर तुम 2 रेप का सोचोगे और तीसरे में हवाबाजी करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, सोचोगे जितना उतना ही होगा। क्रैम्प पड़ गया भाई, निकाल दे क्रैम्प, क्रिएटिन पीना पड़ेगा। पी 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 फुल ठीक हो गया, अब ठीक हो गया था ना, बकचोदी है फुल। तो गाइस ये थर्ड सेट और 45 है, मैंने 35 और 40 ले लिए, 45 थर्ड सेट और इसके। लेकिन वो दिखाना क्या, लाइट है वो तो, वो तो यहाँ से थोड़ा कंसीडर नहीं करता, यहाँ से थोड़ा शुरू होता है। ये थोड़ा ठीक है, ये वर्किंग सेट है, yeah.
दस भाई, दस कर ले, कर 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 ले फिर भाई, और दो कर लेगा, बट मैं एनर्जी सेव कर रहा हूँ किसके लिए, 50 के लिए, ठीक है अभी 50 करके दिखा, 45 करूँगा अभी, कर ले हाँ जी भाई, कर ले भाई, हाँ जी उठा रहा का सीन नहीं भाई, खुद उठाना पड़ेगा, या तो क्रिएटिन पी ले, क्रिएटिन पिला दे एक सिप, सिर्फ मेरा है, क्रिएटिन पिला दे भाई एक सिप, क्या हो गया उठा लो, खत्म हो गया, खत्म हो गया, 750 ml का था ना वो, कल लगाऊंगा अपनी वाली, कहीं तो उतरे हो अभी देखो, अल्फा टू रोमियो कॉलिंग इन फॉर 50, एक नंबर उधर है पंटरबाजी इधर पंखा बंद कर, पहले पंखा बंद नहीं होता, कर दिया अब, पहले रखे हुए बैग गिर गया है, ऑलमोस्ट ले हो या जो भी ले हो, पहले सारी उसकी बैड मेमोरीज याद कर लो, नकी एग्रेशन फिर तो सब क्रिएटिन फ्री वर्कआउट भी सीधा वाले से है वो, जैसे प्रे करते हो ना प्रे, वैसे सब याद कर लो, आई लव यू टेक्स्ट याद कर लो, फोटोग्राफिक मेमोरी है, हाँ झूठे वाले चल दे भाई, देख रहे हो भाई का ये टांग हमेशा ऊपर रहेगा, हमेशा एवरी टाइम, अगर मुझे लेग ड्राइव का कॉन्सेप्ट अगर आता होता तो ये 8 रेप के 18 रेप होते, लेग ड्राइव यही नहीं, एक पैर ऊपर है वैन, तो क्या चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, बाकी देख लो बम हो चुकी है इसको, बस लेग्स और ड्राइव पता है, अलग अलग दो अलग कॉन्सेप्ट पता है, लेग्स ऑन माय शोल्डर, योर लेग ऑन माय शोल्डर एंड आई ड्राइव यू, ड्राइव यू क्रेजी। तो गाइस वर्कआउट अपना खत्म हो चुका है, शोल्डर तगड़ा, चेस्ट तगड़ा, एकदम फुल पंप तगड़ा, चेस्ट डे पे शोल्डर फ्लेक्स कर, इसने कार्डियो कर लिया अपना, मैं तो कार्डियो करता नहीं, अब एज यू नो की बल्किंग चल रही है, ओ फक भाई ये शोल्डर कैसे तगड़े लग रहे हैं यार, लाइटिंग लाइटिंग मेन होती है गाइस, 2 महीने में जाट हो जाएगा ये, वो देखा निको क्या उसका नाम, निको कार्डो एवोगाडो हैं, टू स्टेप्स अहेड, कोई नहीं देख रहा ये सब, अबे तुझे ही नहीं पता, सबको पता, पूरी दुनिया को पता है, फेमस हो गया वो निको, क्या अभी जो मोटा सा खाता है अभिषेक की तरह, वो बिल्कुल इतना मोटा था वो, 150-200 किलो का, दिखा दियो अभी, पतला हो गया बिल्कुल, दिखा दियो ऐसे पतला, अब घर जाके गाइस और चिकन खाएंगे, क्योंकि 1 kg चिकन बनाया था, 1.2 kg और 600 ग्राम्स खा चुके, 600 ग्राम्स और खाएंगे, 600 से ज्यादा ही खा लिया था हमने, 800 ग्राम खा लिया था, ओह गाड़ी रुक जाएगी, पर मसल्स इंपॉर्टेंट, चल भैया एंड कर दे, बाय, ओके गाइस अब वेरी सून मिलते हैं, मतलब डलते रहेंगे व्लॉग्स, अब तो भाई फक ऑफ यार, डोंट क्रिंज मी आउट, तू ही करता है भोसड़ी के, कर दे कर दे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।